गुना से है जहां बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। पानी के तेज बहाव में नदी में एक कंटेनर बह गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। भारी बारिश से सिंध नदी उफान पर है, पानी में बह गया। मड़ीखेड़ा और मोहिनी सागर बांध से पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते जलस्तर काफी बढ़ गया था। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता पंकज फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार हो रही बारिश से जनजीवन तो अस्त व्यस्त है, और अब तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जल भराव इतना ज्यादा हो चुका है, नदी नाले इतने उफान पर हैं कि कंटेनर तक डूब गया। शुभांगी, मैं आपको बता दूं कि करीबन दो दिनों से गुना में लगातार बारिश हो रही है। पीछे से भी कई जगहों से पानी छोड़ा गया है। इसके चलते जो गुना से राजस्थान जाने का रास्ता है वो सिंगल रोड है, और उस रोड पर कई नदी नाले हैं जो राजस्थान को जोड़ते हैं। मगरोड़ा के पास एक नदी है जो राजस्थान को इसके आगे जाकर राजस्थान को जोड़ेगी। तो उस नदी में ड्राइवर की गलती से कंटेनर को बीच में डाला गया, और जब पानी काफी बहाव में था और उस कंटेनर को निकालने की कोशिश की, मगर काफी बहाव के चलते कंटेनर बह गया, जिसमें ग्रामीणों ने मदद करके क्लीनर और ड्राइवर को बचा लिया। आपको ये बताना भी लाजमी होगा कि गुना जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक तरह से पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है और चारों ओर जो है पानी भरा हुआ है। चलिए, धन्यवाद पंकज जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार गुना में बारिश हो रही है और ऐसे में कई मार्गों पर पानी ज्यादा भर चुका है। ऐसे में भारी वाहनों को हिदायत दी जा रही है कि इन सड़कों पर ना गुजरें। इसके बावजूद लापरवाही के चलते ये कंटेनर नदी में डूब गया।